हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए कटहल की एक बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने ये कम से कम 700 ग्राम का ये कटहल ले लिया और इसको काट रही हूँ। ऐसे इसको अच्छे से काट के साफ करके इसको बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको खाने के बाद आप चिकन मटन भूल जाओगे। उसके बाद इस पर अच्छे से काट के धुलाई कर लिया और नमक और हल्दी ऐड कर लिया। और इसमें 2 आलू भी जाएगा क्योंकि आलू फेवरेट है मेरा, और आलू गिरता ही है ज़्यादातर सब्जी में। और इसके लिए आलू को छोटा छोटा काट कर लिया। और इसके बाद एक लहसुन, एक फिर एक अदरक थोड़ा सा, और 2 प्याज बड़ा करके इसके लिया, और एक सूखा मिर्ची और 2 टमाटर। टमाटर को भी छोटा छोटा काट के मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंडर कर लूँगी। और इसके बाद इसको फ्राई करूँगी। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंडर के लिए रेडी किया। और इसमें साबुत धनिया भी जाएगा। फिर कढ़ाई गरम कर लिया और इसमें के तेल डाल दिया, 2 तेज़पत्ता डाल दिया। और उसके बाद ये जो मैंने ग्राइंड किया था प्याज टमाटर की ये पेस्ट, इसको डाल दिया। इसके डालने के बाद अच्छे से भूनूंगी और साथ ही मैं नमक ऐड कर लूँगी और हल्दी थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि कटहल में भी हल्दी गिरा है पहले से ही। और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी 2-3 मिनट के लिए। फिर इसके बाद इसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। और उसके बाद इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें कटहल और आलू को ऐसे डाल लूँगी। डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर इसको ढक्कन लगा दूँगी एकदम धीमी आंच पे। 1 मिनट के बाद इसको हटा कर ऐसे देखूँगी। और इसमें थोड़ा सा मतलब कि पानी डालना पड़ेगा, कटहल में इतना पानी नहीं होता है, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्राई करूँगी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। और पानी डाल दिया मैंने। और इसके बाद इसको ढक्कन लगा दूंगी। लगाने के बाद ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी ढक्कन लगा दिया। इसको हटाने के बाद ऐसा बना है। और फिर इसको मैंने 2 कप पानी डाल दिया, हाँ मतलब स्वाद के अनुसार हमें जितना पसाइए। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। लेकिन इसको ढक्कन डाल के बहुत टाइम फ्राई करना पड़ता है, करीब हाफ़ घंटा आधा घंटा करना पड़ता है। और लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया। और ये देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छे से बन के रेडी है। और इसमें लास्ट में ये धनिया का पत्ता थोड़ा सा डाल दिया। और ये हम लोगों का टेस्टी कटहल की सब्जी बन के रेडी है। और ये आप लोग खा सकते हो रोटी के साथ, चावल के साथ, इतना टेस्ट आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और किस किस को ये पसंद है मुझे बोलना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।